दूसरे की छाव में आप अपनी खुद की छाव कभी बना नहीं सकते, उसके लिए खुद आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। इंसान मंदिर में बने पत्थर को तो भगवान मानकर उसकी पूजा करता है, लेकिन वह इंसान के अंदर बसे भगवान को हमेशा नकार ही देता है। हम मंदिरों में हजारों लाखों का चढ़ावा चढ़ा देते हैं, शिवलिंगों पर लाखों लीटर दूध अर्पित कर देते, मस्जिद मजारों पर चादर चढ़ा देते, लेकिन उसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के बाहर बैठे अपंग भिखारी को दया भाव से दो वक्त की रोटी देने से परहेज करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि नर ही नारायण है। इस सुविचार को अपने जीवन में बाबा आमटे से बेहतर शायद ही किसी ने अपनी जिंदगी में उतारा हो। सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक एक्टिविटी के नाम से जाने जाने वाले बाबा आमटे ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में बिता दिया। अगर हम महान समाज सेवी के बारे में बात करें तो बाबा आमटे का नाम भी उनमें आता है। गूगल भी उनकी फोटो अपने डूडल में लगाता है। बाबा आमटे इनका जन्म 26 दिसंबर 1914 में महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगनघाट में हुआ था। बाबा आमटे इनका पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था। उनके पिता का नाम देवीदास आमटे और उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई आमटे था। वह एक धनी परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता ब्रिटिश गवर्नमेंट में ऑफिसर थे और उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारियां सौंपी हुई थी। उन्हें बाबा इसलिए नहीं कहा जाता था कि वो संत या महात्मा थे, बल्कि इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके माता पिता ही उन्हें इस नाम से पुकारते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा नागपुर में मिशन स्कूल से शुरू की और उन्होंने कानून तक की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कई और विषयों को भी पढ़ा। इसके साथ साथ उन्होंने स्थानीय तौर पर वकालत का कार्य करना भी शुरू कर दिया। वकालत के दौरान उन्होंने देखा कि भारतीय गांव सचमुच ही खराब हालत में है। बाबा आमटे इन्होंने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत एक वकील के तौर पर की। वकील के रूप में वह बेहद सफल भी रहे, लेकिन गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन ने उनकी जिंदगी बदल दी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वह भी जेल गए। उन्होंने कई गिरफ्तार हुए नेताओं के मुकदमे लड़ने के लिए अपने साथी वकीलों को संगठित किया और इन्हीं प्रयासों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन चंद्रपुर वरोरा में कीड़ों से भरे कुष्ठ रोगी को देखकर उनके जीवन की धारा बदल गई। उन्होंने अपना वकालती पेशा और सुख सुविधा वाली जीवन शैली त्याग कर कुष्ठ रोगियों और दलितों के बीच उनके कल्याण के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने कुष्ठ रोगियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की और एक आश्रम स्थापित किया, जहां कुष्ठ रोगियों की सेवा अब भी निःशुल्क की जाती है। इस आश्रम का नाम है आनंदवन। यहाँ आने वाले रोगियों को उन्होंने एक मंत्र दिया, श्रम ही है श्री राम हमारा। जो रोगी कभी समाज से अलग थलग होकर रहते थे, भीख मांगते थे, उन्हें बाबा आमटे इन्होंने श्रम के सहारे समाज में सर उठाकर जीना सिखाया। बाबा आमटे इन्होंने आनंदवन के अलावा और भी कई कुष्ठ रोगी सेवा संस्थानों जैसे सोमनाथ, अशोकवन इत्यादि की स्थापना की, जहां हजारों रोगियों की सेवा की जाती है और उन्हें रोगी से सच्चा कर्मयोगी बनाया जाता है। इसके अलावा बाबा आमटे इनको भारत छोड़ो आंदोलन के लिए भी याद किया जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 1985 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और 1988 में आसाम से गुजरात तक दो बार भारत जोड़ो आंदोलन चलाया। मैं एक महान नेता बनने के लिए काम नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो जरूरतमंद गरीबों की सहायता करना चाहता हूँ। बाबा आमटे इनको उनके इन महान कामों के लिए बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 1971 में पद्मश्री, 1978 में राष्ट्रीय भूषण, 1986 में पद्म विभूषण और 1988 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला। बाबा आमटे इनका निधन 9 फरवरी 2008 में 94 वर्ष की आयु में चंद्रपुर जिले के वरोरा में उनके निवास स्थान पर हुआ। कहते हैं कि इस तरह के समाज सेवक कभी मरते नहीं है, बल्कि हर किसी के हृदय में आज भी जीवित रहते हैं। उसी प्रकार के कार्य समाज सेवक बाबा आमटे इन्होंने किए थे, जिनको लोग आज भी नमस्कार करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी बाबा आमटे, इनकी बायोग्राफी और उनकी जीवनी। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।